राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ होंगे, जैसे होंगे, अच्छे होंगे। तो यही सब शुरुआत करते हुए मैं आपसे अब बोलना चाहती हूँ। आपने जैसे कि थंबनेल तो देखा ही होगा, आजकल ये टॉपिक इतना वायरल हो रहा है, इतना वायरल हो रहा है कि जो भी, जिसको भी देखो। मैं ये नहीं कहती कि मैं तो बहुत बड़ी यूट्यूबर हूँ, मैं तो बस एक छोटी सी, एक नाचीज सी चीज़ हूँ। पर उम्मीद करती हूँ, पर अपनी तरफ से एफर्ट्स करती हूँ कि जितना भी, जो भी आपको बता सकूं या जो भी, जैसे भी आपको एंटरटेन कर सकूं, वो अच्छा एंटरटेन करूं, अच्छी नॉलेज दूं और अच्छा बता पाऊं। तो बात चल रही थी कि आजकल जो ये बड़ा ही वायरल टॉपिक चल रहा है कि 15 दिन में चैनल कैसे ग्रो करें। गाइस, आपको क्या ये सच्ची में लगता है कि इज इट फिजिबल? एक आधा अगर केस हो जाता है तो मैं ये नहीं कहती कि 100% लोग ऐसे हैं जिनका चैनल 15 दिन में ग्रो नहीं हो पा रहा, पर 100% में से 99% ऐसे हैं जो ये कह नहीं सकते कि हमने 15 दिन में अपना चैनल ग्रो किया है। पर कुछ ट्रिक्स, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो इस YouTube के माध्यम से लेडी हैं जो वो बोल रही हैं कि मैंने लगाई है, मैंने लगाई है, ये ट्रिक आप भी लगाएं, उस ट्रिक के बारे में बताना चाहूंगी आपको। लेडी ने बोला कि रोज डेडिकेशन तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही है। मैं इसमें दो राय मानती नहीं हूँ कि ऑफकोर्स डेडिकेशन जरूरी है, पर उन्होंने बोला कि शॉर्ट्स पे ना जाएं। ये भी एक पॉइंट मेरी समझ में, जहाँ तक मुझे लगता है कि ये सही पॉइंट लग रहा है मुझे, कि ज़्यादा पीछे ना पड़े शॉर्ट्स के। मैंने क्या किया, कुछ टाइम पहले ना, मैं पूरा फुल ऑन व्लॉग्स पे कंसंट्रेट करती थी, मैं शॉर्ट्स बनाती ही नहीं थी। पर जैसे कि अब शॉर्ट्स चल पड़े थे, तो वही है ना कि शॉर्ट्स देख के शॉर्ट्स का भूत सवार हो गया और शॉर्ट्स के लिए बस बार बार मन किया कि आजकल शॉर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, शॉर्ट्स ज्यादा चल रहे हैं, तो शॉर्ट्स पे ही कंसंट्रेट किया जाए। ब्लॉगिंग मैंने छोड़ दी। तो पर उसका रिस्पॉन्स ये रहा कि एक सिर्फ चीज आपको अच्छी मिलती है, शॉर्ट से आपको सब्सक्राइबर्स गेन होता है ना। सब्सक्राइबर्स के अलावा आपको वॉच टाइम नहीं मिलेगा। अगर आप मोनेटाइज हो चुके हैं तो आपका जो वो $20 के बाद एडसेंस पिन आता है, वो पिन भी नहीं आएगा। मिनिमम क्राइटेरिया मोनेटाइज होने के बाद होता है कि आपको $100 अचीव कर लें अगर आप अपने डैशबोर्ड पे, तो आपको पेमेंट आएगी। ये कुछ क्राइटेरिया ऐसे हैं जो मतलब आपको फुलफिल करने ही है। एक तो $20 पे एडसेंस पिन और $100 आपके मोनेटाइज होने के बाद, जब तक आपके $100 आपकी किटी में, आपके डैशबोर्ड पे, आपके चैनल पे नहीं बन जाते हैं, जब तक YouTube पेमेंट रिलीज नहीं करता है। तो यहीं पर हम सबसे बड़ी जो गलती करते हैं ना, वो यही कर देते हैं कि शॉर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं। आजकल पब्लिक अगर आप देखें तो सब शॉर्ट्स के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि सबको जल्दी का काम चाहिए। सबको लगता है कि बस मेरे सब्सक्राइबर्स हो जाएं, जो मुझे भी लगा। मैं अपनी जेन्युइनली जो गलती मैंने की है वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि अगर आप सच्ची में यूट्यूब पे काम करना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपका करियर अच्छा चल सकता है इस पे, तो आप प्लीज शॉर्ट्स के पीछे ना भागें। अगर आपको शॉर्ट्स डालने हैं तो आप डाल सकते हैं, ऑन एंड ऑफ डाल सकते हैं, पर व्लॉगिंग, अगर आपका चैनल व्लॉगिंग का है तो डू व्लॉगिंग ओनली, है ना। इसके बाद ये रहता है कि व्लॉगिंग से जो आपको सब्सक्राइबर्स मिल रहा है, उसका मतलब है कि नेचुरली वो आपको लिसन कर रहा है, वो आपको सुन रहे हैं, है ना। जैसे कि मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप ऑफकोर्स सुनोगे, ऑफकोर्स आप पूरा व्लॉग भी देखोगे। अगर आपको आइडिया सही नहीं लग रहा, अगर आपको उसमें कुछ जान नहीं लग रही है, तो आप नहीं सुनोगे। उन्होंने बोला, वो जो लेडी जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आजकल बहुत वायरल हो रही है ये टॉपिक डाल के, उन्होंने बोला कि अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे यूट्यूब पे तो ऑफ कोर्स आपका चैनल ग्रो हो जाएगा। पर नहीं यार, आपके कंटेंट में भी जान होनी चाहिए। आपके शॉर्ट्स, अगर आप शॉर्ट्स डाल रहे हैं तो शॉर्ट्स भी आपके इतने इंजॉयफुल, इतने अच्छे होने चाहिए कि पब्लिक को पसंद आए। सेकेंडली, आपका अगर कंटेंट डाल रहे हैं तो वो कंटेंट में इतनी जान होनी चाहिए कि आपका जो कंटेंट है वो क्लाइंट को या कस्टमर को या ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सके, खींच सके। अगर आप कहीं
किसी शॉप का ही अगर कोई समझ लिया जाए, अगर कोई शॉप का ही व्लॉग डालता है तो वो कस्टमर अट्रैक्ट कर पाए। इतना अच्छा प्रेजेंटेशन होनी चाहिए कि वो ऑनलाइन ही अपने कस्टमर्स अट्रैक्ट कर रहा है। और सेकेंडली हाँ, ये भी जरूरी है कि आप शॉर्ट्स के टाइम पे तो कोई ऐसे टैग्स और हैशटैग्स वगैरह जरूरत नहीं होते हैं, पर अगर आप डालते हैं तो कुछ ऐसे हैशटैग्स हैं जैसे हैशटैग्स वायरल, हैशटैग ट्रेंडिंग, हैशटैग YT शॉर्ट्स, हैशटैग YouTube शॉर्ट्स, पूरा हैशटैग शॉर्ट्स, ये जो बेसिक हैं शॉर्ट्स, ये शॉर्ट्स के लिए जरूरी है। पर इसके अलावा अगर आप रेगुलर कंटेंट डालते हैं, अगर हम बात करते हैं बड़े ब्लॉग की या फिर आपके कंटेंट की जो आप अपने ब्लॉग के थ्रू डालते हैं सॉरी, तो उसमें आपको डिस्क्रिप्शन देना ही देना है। ऑफ कोर्स आपको अपने कंटेंट से रिलेटेड डिस्क्रिप्शन देना ही देना है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन आपको उससे रिलेटेड होगा तो वो जो इसकी एल्गोरिदम है, यूट्यूब की एल्गोरिदम है, वो कैच करने में उसको इजी रहेगा। हैशटैग्स आपको देने हैं, और इसके अलावा थंबनेल इतना ज़बरदस्त होना चाहिए आपका कि आपकी ऑडियंस उसको देख के आपके ब्लॉग पे आई है या आए, या फिर जो नई भी ऑडियंस है, जैसे किसी के अगर फीड में जा रहा है, किसी के अगर चैनल के रिकमेंडेशंस में जा रहा है आपका चैनल, तो वो इतना फोर्स हो, इतना फोर्सफुली उसको लगे कि हाँ भाई मुझे तो ये चैनल देखना ही देखना है। तो ऐसा कुछ होने के लिए आपको प्रेजेंटेशन तो अच्छी होनी चाहिए ना। वो चैनल की प्रेजेंटेशन कैसे होती है? थंबनेल से। तो पहले, सबसे पहली बड़ी सीढ़ी तो ब्लॉगिंग की यही है कि आपको थंबनेल अट्रैक्टिव डालना है। थंबनेल के बाद ऑफ कोर्स हैशटैग्स, डिस्क्रिप्शंस, ये सारे तो आपको टैग्स वगैरह लगाने ही लगाने हैं, इसके बिना नहीं करना है। और इसके अलावा अगर आप शॉर्ट्स कर रहे हैं तो जो शॉर्ट के टैग्स मैंने बताए थे वो ज़रूर करने हैं। और मैं तो आपको यही कहूँगी कि आप जितना हो सके, अगर आपका व्लॉगिंग का चैनल है, कुकिंग का चैनल है, गेम्स का चैनल है, तो आप इन पे कॉन्सेंट्रेट करें ही करें। इनका छोटा सा पार्ट आप अपने शॉर्ट्स में डाल सकते हैं। जो गलती मैंने की है कि मैंने शॉर्ट्स, ऑल्दो मैंने कॉमेडी शॉर्ट्स बनाए, पर मैंने कॉमेडी शॉर्ट्स वो ही बनाए हैं जो आजकल चाइनीज वाले चलते हैं, पर वो चाइनीज शॉर्ट्स मुझे लगता नहीं है कि मतलब इतने इफेक्टिव रहे मेरी जर्नी में। मुझे लगता है कि अगर आप शॉर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट करके चल रहे हो तो सिर्फ आपका सब्सक्राइबर्स गेन करवाता है शॉर्ट्स, पर अगर आपको ओरिजिनलिटी में आपको वॉच आवर्स बढ़ाने हैं, अपनी पेमेंट चाहिए आपको, तो आपको फोकस करना पड़ेगा व्लॉगिंग पे, और आपको लंबे वीडियोस पे आपका फोकस रहना चाहिए, जो मैं अब कोशिश करूंगी कि वो मैं कर पाऊँ। पर उसके लिए गाइस मुझे आपकी ज़रूरत है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, और जितना हो सके मेरे व्लॉगिंग को आप सपोर्ट करें जैसे आप शॉर्ट्स को सपोर्ट करते हैं। और आपकी जो भी सजेशन है वो मैं दिल से वो एक्सेप्ट करूँगी। मुझे जो भी सजेशन हो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इतना देखने के लिए धन्यवाद। आई होप मैंने आपकी कुछ क्वेरीज तो सॉल्व करी होंगी और जो आपके जर्नी में काम आएंगी। थैंक यू सो मच।